इस प्रकार से तीन भट्टी है, एक पहले आएगा जो इसमें से वेस्टेज निकल जाए, फिर यहाँ पर तैयार होता है और तैयार होने के बाद है जो यहाँ पर पका जावा है पूरी तरह से, चाशनी जो गन्ने का रस उसको पका जाओ और पकाने बाद यहाँ पर है जो उसका प्रोसेस है जो गुड़ बन जाए पकने के बाद, और गुड़ बनने के बाद यहाँ से यहाँ उतारा जावा है। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, कल रही था जो ये गुड़ बना रहे हैं, कई बीमारियों में भी ये गुड़ लाभदायक है। तो भाई ये बन गया, देखो आँखों के सामने देखते देखते गुड़ बन गया है, कई बीमारियों में भी लाभदायक आपका गुड़ है। किन किन बीमारियों में क्या क्या मिला? जैसा कि हमारा अलसी वाला है, ये तो हमारा चाय वाला सिंपल सादा गुड़ है। हाँ जी, अच्छा जो अलसी वाला है ये गोड्डों में दर्द, कमर में दर्द, कैस्ट्रोल नहीं बढ़ता, अलसी के बारे में आप फोन से भी गूगल से रिसर्च करके देख सकते हो। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल कैथल से नरवाना रोड पर। हाँ, और आपने ध्यान कोल्लू पाला कोल्लू लगा कर दे गुड़ बना दे, लेकिन आजकल ये चीज़ें लुप्त होगी, तो आज कोल्लू लग रहा है और गुड़ बनाना पूरा प्रोसेस आपको दिखावांगे। तो ये देखो ये मशीन चल रही है और ये गन्ना पड़ा है और आगे जो उसमें गन्ना पीटा जा रहा है, गन्ना पीटने के बाद आपने आगे इस तरफ को दिखावांगे, तो गन्ना पीटने के बाद रस है जो इस पाइप से यहाँ पर इसमें आ गया और इसके बाद है इसमें से ये पाइप रही, इस पाइप के माध्यम से यहाँ पर आ गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसे भट्टी लगी हुई है नीचे और भट्टी के माध्यम से यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद है इसमें से जो वेस्टेज होता है ऊपर देख सकते हैं आप, जो तहड़ा रखा है तहड़ा वेस्टेज निकाली जाती है, और उसके बाद साफ होने के बाद इससे अगली जो भट्टी है जो उसमें चला जावा है। तो इस प्रकार से तीन भट्टी है, एक पहले आएगा जो इसमें से वेस्टेज निकल जावे, फिर यहाँ पर तैयार होता है और तैयार होने के बाद है जो यहाँ पर पका जावा है पूरी तरह से, चाशनी जो गन्ने का रस उसको पका जाओ और पकाने बाद यहाँ पर है जो उसका प्रोसेस है जो गुड़ बन जाए पकने के बाद, और गुड़ बनने के बाद यहाँ से यहाँ उतारा जावा है। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद है ये जिम जाएगा और उसके बाद अनुकान ये इस तरह से गुड़ बन जाएगा, ये देखो इस तरह से गुड़ बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप अभी जो गुड़ बन के ये तैयार हो गया है और इस तरफ आपने दिखावांगे। एक और गजब की बात है, जो गन्ने की जो वेस्टेज होती है जो छिलका होता है, ये छिलका यहाँ पर है और इस छिलके को ही जो भट्टी में लगाया जावा है। तो ये नीचे भट्टी दिखाई दे आपने, इस जो गन्ने का ये छिलका है जो वेस्टेज है इसको भट्टी में लगा जाओ, इससे प्रदूषण भी नहीं होता और चिमनी जो इन ऊपर करके ताकि धुआं ऊपर जा सके। और ये देख सकते हैं भाई गुड़ बनकर तैयार हो गया, ये हालांकि अभी गर्म है थोड़ा सा और दो मिनट के अंदर ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होते ही इसको ऐसे इस तरह के पेड़े बनाए जाऊँगे, एक बार ट्रे में दिखा दे, तो इस तरह के पेड़े बनाए जाऊँगे। और इनका दावा है कि बिल्कुल शुद्ध केमिकल रहित है जो ये गुड़ बना रहे हैं, कई बीमारियों में भी ये गुड़ लाभदायक है। तो किस तरह से बना हुआ है, किन किन बीमारियों में लाभदायक है इनका गुड़, तो इनसे एक बार बात भी करांगे। और जो ये गुड़ बनन लग रहा है इसकी प्रोसेस है, भाई साहब है आइए एक बार, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो गुड़ बनकर तैयार हो गया है, कितनी देर में तैयार हो जाएगा ये गुड़? ये 15 मिनट में बाहर आ जाएगा, बस बाहर निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आप केमिकल रही तो बता रहे कि हाँ जी आपके सामने निकल रहा है, आप देखा किसी ने कुछ डाला इसमें? जी बिल्कुल डाला तो नहीं कुछ किसी ने, आपके सामने तैयार हो रहा है, देखो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, बैठो तैयार करवाओ। कलर कूलर बनाने के तो कुछ डालते होगे? नहीं नहीं, हम जो कलर गन्ना देगा वही कलर हमारे यहाँ बनेगा, कलर बस कलर गन्ने के अंदर ही होता है जी, ना कि गुड़ में, जो गन्ना जैसा होगा वैसा खुद कलर देगा। आप बता रहे कई बीमारियों में भी लाभदायक आपका गुड़ है, किन किन बीमारियों में क्या क्या मिला? जैसा कि हमारा अलसी वाला है, ये तो हमारा चाय वाला सिंपल सादा गुड़ है। हाँ जी, अच्छा जो अलसी वाला है ये गोड्डों में दर्द, कमर में दर्द, कैस्ट्रोल नहीं बढ़ता, अलसी के बारे में आप फोन से भी गूगल से रिसर्च करके देख सकते हो। क्या क्या मिला उसमें? कुछ अलग से मिला? अलसी मिलती है जी उसके अंदर, अलसी भूननी पड़ती है, पिसाई करनी पड़ती है, वो मिला जाती है 70% उसके अंदर। गुड़ गुड़ बना हो या फिर बेसन खांड शक्कर? खांड शक्कर तिलों के गजक भी बनती है, सारी चीजें बनती है जी। हाँ जी, रेट रूट की है भाई जी इसका जो बात? ये रेट 60 रुपये किलो है जी, जो सिंपल 60। हाँ हाँ जी, उसके बाद जैसा गजक होगी उसका वैसा ही रेट होगा जी, मतलब तिल मिला रखे उसमें, गिली गिरी मिला रखे वाले कलर। हाँ जी जी जी, उसके अनुसार ही, जैसे शुगर वाला है उसे 50 रुपये किलो है। और साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई की व्यवस्था भी बढ़िया है, अपना साफ सफाई का है जी। हाँ साड़ी पे तो ये गन्ने का ये जला रहे हो इसके अंदर है, इससे प्रदूषण नहीं होता जी, ये इसमें बहुत अच्छा माल बनता है, जैसे कोई कचरा डालते हैं लिफाफे वगैरह डाल जलाते हैं ना, वो चीज़ नहीं करते हम, उससे प्रदूषण होता है, गुड़ में भी फर्क पड़ता है उससे। तो देख सकते हैं आप, जब निकाला था तब कुछ और था और अभी 2 मिनट के बाद है कुछ और है, और 2-3 मिनट के बाद है इस तरह के पेड़े बन जाएंगे।
ताऊ जी स्पेशल गुड़ लेना है रे एक बार। ताऊ जी राम राम। राम राम बेटा। थोड़े आगे आ जाओ। ले भाई स्पेशल गुड़ लेना है। स्पेशल गुड़ कैथल का। कैसा गुड़ है इनका? गुड़ एक नंबर का। ये कोई केमिकल रहित है? मिलाओगे बेटा फिर ये मार खा लेंगे। नहीं केमिकल नहीं, बिना केमिकल, केमिकल रहित है। नहीं केमिकल नहीं, ठीक है वैसे गुड़। ठीक है बहुत बढ़िया गुड़। बढ़िया बढ़िया देसी गुड़ है। देसी गुड़ कोलू आप बताओ। कोलू तो लगते कोई आसपास में भी केरा किसा गुड़ा हुआ कुकरा हुआ है। कोलू ही नहीं रहे गुड़ करता होगा। कोलू ही नहीं रहे ये तो बढ़िया है। जो खाना खाने के बाद कितना पेट में फारा हो सारा दो मिनट में तैर दे। यू गुड़ गुड़ एक ऐसी चीज है। गुड़ आप खान दे बाहर दुकान को नाम लगा इसका स्वाद में उसमें किसा फर्क है? एक नंबर का स्वाद है इसका। वो तो केवता केक के मिले हुए हैं। ये तो बढ़िया तरह सामने देख बढ़िया बना रहे। यू आंखा का शामी बनवा जमा यह तो चालन लाग रहा। कोलू वहाँ गंडे पीड़न लाग रहे यार बन कई तैयार हो गया। बहुत बढ़िया बनाने लग रहे बेटा एक नंबर। क्योंकि पहला देखा करते अपने आस पास कोलू लग गया करते। कोलू तो लाग कुन रहे नुए खरीदना पड़ा है। वो तो ट्रेन में जा लिया बेटा कोलू वाला का। तो चार चार बजे कोलू चाले करते गंडे उसमें नंबर ही नहीं पड़ा था। गुड़ काटन वाले का उसमें बहुत उसमें था भाई। तो वो कुछ और अब कुछ और हो रहा है। महंगा तो नहीं देता ना? महंगा क्यों देंगे फिर ये अपना गाह खोलेंगे महंगा देंगे जी। हाँ रेट जाए ठीक दे रहे। मेहनत भी है मेहनत भी है मेहनत भी है। तो गुड़ किस कुकर बना है? पहला कोलू लग गया करते सारे ने बेरा था लेकिन आजकल जो पता कोनी केमिकल रहित गुड़ है और कई चीज़ें हैं जो कई बीमारियां में लाभदायक भी हो गुड़ बताया है और किस तरह से बना है पूरा प्रोसेस आज तक बताया है। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो नई जनरेशन है वो देख सके कि गुड़ कुकर बना है। क्योंकि आजकल के बच्चे ने बेरा कोनी कोल्लू के या गुड़ कुकर बना है। गंडा था कुकर गुड़ बन गया। गंडा जो उसका पीड़ा जाओ उसका रस आवा है जो और रस के बाद है जो उसको पका जाओ नीचे भट्ठी चल रही है और ये गुड़ भाई ये बन गया। देखो आंखों के सामने देखते देखते गुड़ बन गया है। अभी ये थोड़ा गर्म है ठंडा होता है ये पेड़े बन जाएंगे। मैंने आपको बता था कि देखते देखते ही गुड़ बन जाएगा। गुड़ बनगा तैयार हो जाएगा। वहाँ से निकाला और यहाँ का गुड़ तैयार हो गया। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपके सोच विचार आपने देने हैं क्योंकि आजकल सारा सौदा केमिकल का हो गया कि चीज़ों केमिकल केमिकल केमिकल। लेकिन यू देसी गुड़ है और इसका स्वाद भी अलग है खाने का। तो आप भी इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस गुड़ का टेस्ट जरूर चेक करो खा करने के बाद किसा लग गया। इनके पास बहुत सी चीज़ें हैं शक्कर है खांड है और गुड़ भी कई प्रकार बना हुआ तिलों का गुड़ बना हुआ जो पेड़ी बना हुआ है बर्फी लड्डू बना हुआ है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद वंदे मातरम।